कि बूंदी स्टेट के और उदयपुर स्टेट के झगड़ा हो गया। उदयपुर के राणा ने प्रतिज्ञा ली कि बूंदी के किला को ध्वस्त नहीं कर दूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। अरे भाई, पर आर्म तैयार करनी पड़ेगी, अटैक करना पड़ेगा, युद्ध चलेगा, 10-15 दिन चलेगा, तब तक पानी नहीं पियोगे तो बूंदी के किला को ध्वस्त करने के पहले खुद मर जाओगे, तो पानी तो पियो। मैंने कहा प्रतिज्ञा ले ली और राणा की तो वचन ना जाए खाली। तो उसने कहा, एक ने कहा राणा के भक्त ने कि एक काम करो, एक बूंदी का किला बनाओ। और बूंदी के किला की डमी बनाई गई उदयपुर स्टेट में, और राणा के सद्भाग्य से एक हाड़ा राजपूत जो बूंदी के होते हैं वो उनके यहाँ सेना में था। उसने कहा कि क्या कर रहे हो यहाँ? बोले यहाँ बूंदी के किला को ध्वस्त कर रहे हैं। बोले मेरे जीते जी बूंदी का किला ध्वस्त नहीं हो सकता है। तो राणा की सेना से अकेला हाड़ा राजपूत एक लड़ा और मर गया, और राणा ने जल पी लिया कि बूंदी के किला को ध्वस्त कर दिया एक हाड़ा को मार के। ये क्या भगवान भी ऐसे और राणा को खेल कर रहे हैं? वीर रस को अनुभव करना है तो सच्चो वीर पैदा करो, एक भीष्म जैसे वीर पैदा करो कि जो कह रहे हो भगवान को कि कोई दो मत नहीं है, कि तुम्हारे अलावा भगवान कोई नहीं है, तुम ही भगवान हो। पर भगवान तुम हो तो मैं तुम्हारा भक्त हूँ, यहाँ फाइट कर रहे हो, आओ। तुम्हारा प्रण मैं झूठो नहीं पाड़ू तो मैं भक्त नहीं तुम्हारो, लड़ मरियो और भगवान को झूठो सिद्ध कर दियो। ऐसा वीर होना चाहिए ना। भीष्म के साथ लड़ने में भगवान को वीर रस प्रकट होएगो। वो सूरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही कि वापट पीत की फहरान, जैसे गज को मारने के लिए सिम कूदियो होए ऐसे तुम रथ पे से उतर के मुझे मारने के लिए दौड़े। और अर्जुन ने पैर पकड़ लिए कि महाराज आपकी मिथ्या भाषी सिद्ध हो जाओगे, आपने प्रतिज्ञा करी थी कि शस्त्र हाथ में नहीं धारण करूँगो, भीष्म को मारने कैसे जा रहे हो? ठहरो ठहरो ठहरो, आप मत मारो, निमित्त मात्र भव्य सव्य साचिन आपने कहो, लेट मी किल हिम। और अर्जुन की बिचारी की लाचारी ऐसी थी कि भीष्म मरते ही नहीं, तो पाछो भगवान के शरण में गया। ये मरे नहीं है, क्या करना? भगवान ने कही भीष्म को कैसे मारना, कोई सॉल्यूशन नहीं, भीष्म से जाके पूछो। भीष्म से पूछे गए तो और फनी आंसर, बिजारे आंसर मिले कि मुखू मारने का एक उपाय है कि मेरे आके कोई शिखंडी खड़े हो जाए तो मैं लड़ाई नहीं करूं। अर्जुन तो शिखंडी नहीं है, तो अर्जुन ने शिखंडी को आगे खड़ो किया और शिखंडी के पीछे रह के तीर छोड़े। और भीष्म ने कहा कि भाई शिखंडी पे तो तीर छोड़ नहीं सकता हूँ मैं। और अर्जुन से एमे बाणा नेमे बाणा शिखंडी ना, और अर्जुन ने शिखंडी के कंधा पे से तीर चोले तो बेचारा भीष्म मर गयो। मतलब भीष्म इतनो वीर हतो कि ना अर्जुन के पास उपाय हतो ना भगवान के पास उपाय हतो। और जा वक़्त भगवान ने पांडवन ने पूछी भाई ये महाभारत युद्ध को क्रक्स क्या निकलियो या को सार क्या निकलियो, भगवान ने कही भीष्म के खिलाफ कोई नहीं समझा सकता, मैं भी नहीं समझा सकूंगा। और जब भीष्म के पास गए तो आने कही इतिमति रूपर कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुग्नि, ये भगवान की स्तुति करके वाने समझा दियो कि याको तो यही है। तो वाक के साथ तो लड़ने में मजा आवे ना, वाक के साथ तो लड़ने में वीर रस को मजा आवे। कल्पित एक बूंदी की तरह हाड़ा को चित्र खड़ो किया और वहाँ को मार दिया सबन ने मिलकर, वह मैं राणा को रस क्या, वीर रस क्या भयो, वो तो राणा की लाचारी भाई। तो एक तो मुझको ये ऑब्जेक्शन बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि भाई वीर रस के लिए आप कह रहे हो तो सत्य सृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को राणा तो नहीं मानना चाहिए उदयपुर को। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो भगवान को वीर रसात्मिका लीला का आनंद मिलेगा न वह सर्वज्ञ के अनुरूप लगता है, न तो सर्वज्ञ भगवान को वीर रसात्मिका लीला का आनंद मिलेगा और न वह भगवान के सर्वज्ञ के अनुरूप लगता है। द्वितीय कल्प में सहजा सुरेत जीवों को ऐसी भ्रांति होती स्वीकार हैं तो आसुरत्व अनर का अनावतार काल में अनिर्धार्य बन जाएगा। अवतार काल में तो सॉल्यूशन आ जाएगा, अनावतार काल में तो
मेरी कभी स्कूलिंग नहीं हुई, नेवर आई हैव बीन टू स्कूल। मेरे फूफी को लड़का भाई, मेरे जिगर जान दोस्त गोपाल, तो हम एकदम इतने दोस्त, बल्कि दोस्त से ज़्यादा, क्योंकि मेरे माँ को पहले दो बेटी है भाई, सो तीसरा जब मैं होने वाला था तो मेरी माँ इतनी नर्वस थी कि कहीं तीसरी लड़की ना हो जाए, तो गोपाल को पग धरवाया, वाह ठिकाने जा ठिकाने डिलीवरी वाली होने वाली थी, और गोपाल के पग से मैं जन्मी हूँ। अब वो टोटका क्या है तो मुझको पता नहीं कि गोपाल से बढ़ के दोस्त मेरे सगो भाई भी कभी नहीं भयो। हम दोनों अत्यंत घनिष्ठ मित्र, और गोपाल की स्कूलिंग होती, अपनी तो स्कूलिंग भी नहीं भई। तो जब थोड़ी बहुत कुछ ऐसे बात चलने लगी, पढ़ाई शुरू भई, तो मैं कुछ वेद की बात बता तो, वो स्कूल की बात बता तो, गोपाल ने एक दिन मुझको ब्रह्मज्ञान दियो कि तू शामू, वो चैप कहते तो मुझको, एक्चुअली शामू नहीं कहते तो, कि चैप बात समझ के तू वेद कह रहे हो, वो वेद एक्चुअली है ही नहीं, सब जंगली लोगों के लिखे भए ग्रंथ हैं। उनके ऐसे कैसे हो सके, भगवान का हैं वो तो, उनकी पढ़ पुस्तक में लिखे है, पुस्तक पढ़ी तो हमें सच में ऐसे ही लिखे हो तो, ये तो अनकल्चर्ड लोगों के सब गीत थे। एक महीना मुझको इतनो नास्तिकता को आवेश आ गया कि बालकृष्णलाल झूठे लगे, वेद झूठे लगे, और सारी पर्सनालिटी हिल गई, इतनी नर्वसनेस आ गई मेरे भीतर कि तो फिर सच क्या हो सके। मैं एकदम नर्वस होकर मैंने दादाजी से कही कि दाई जी बहुत बुरे बुरे विचार आ मैं, ये तो मैंने खुलासा नहीं किया। दाई ने कही कि बेटा एक काम कर, कि शांति से बैठ के रोज 11 पाठ सर्वोत्तम स्तोत्र के कर। तो मैंने 1.5-2 महीना तक 11 पाठ सर्वोत्तम स्तोत्र के किए, और मन में से वो विचार निकल गए, और कहीं कोई कोना में कहीं जाकर गुड़ जाती, मैं कहीं धरबाई गयो, बड़ा अच्छा शब्द है गुजराती को, क्या धरबाई गयो, ऐसे वो विचार कहीं धरबाई गयो। फिर मैंने वहाँ प्रॉब्लम पे सोचना ही बंद कर दी, क्योंकि सर्वोत्तम के पाठ करने में बड़ा मज़ा आता, तो कोई पॉजिटिव मैसेज मिलता तो, अर्थ तो कुछ समझ में आता नहीं तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ ही करते तो, प्राकृत धर्मानाश है, क्या प्राकृत है और क्या अप्राकृत है, और क्या आनंद है क्या परमानंद, कुछ पता नहीं है। तो अपने को दादाजी ने कही कि सर्वोत्तम स्तोत्र को 11 पाठ रोज की होकर, वो 11 पाठ में मजा आती थी, तो विचार धरवा गए हो, फिर प्रॉब्लम पे कभी सोचे नहीं, पर मन में शांति हो गई, जो नेगेटिविटी आ गई थी। तो ऐसे वाक पीरियड में तो मैं भी आसुरावेशी हो तो कि नहीं, वर्चुअली मुझको ऐसे फील होता तो कि यदि वेद सब ये जंगलीन के गीत हैं तो अपन क्या टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। और ब्यूटी ये मेरे और गोपाल की कि गोपाल वह बात को मानते भाई भी बालकृष्णलाल को अनन्य भक्त, और मैं वह बात को सुन के इतना नर्वस हो गया कि सब फेक ड्रामा है। और 1.5-2 महीना मेरी जितनी नेगेटिविटी में बीते, मेरा दिल जाने है, इतना टॉर्चरिंग मुझको फील होता था कि अपन क्या कर रहे हैं बेवकूफ़ी। तो खैर धरबाई गया विचार सर्वोत्तम स्तोत्र न कारण, मैं वहाँ में चमत्कार नहीं मानू, मैं साइकोलॉजिकली वहाँ को देखूँ कि माइंड डाइवर्ट हो गया, पलट तेरा ध्यान किधर है, वो वहाँ पे ध्यान चले गया, तो आपको जय महाप्रभु जी पे ध्यान आ गया, महाप्रभु जी ध्यान आ गया तो वो ध्यान धरबाई गयो। अब मुझको तकलीफ नहीं दे, अब मेरी मनस्थिति ऐसी है कि कोई भी नास्तिक विचार पढ़ो तुमको बहुत मजा आवे, पर नर्वसनेस नहीं आवे। ये आज की मेरी मनस्थिति है, मैं कोई भी नास्तिक विचार को उतना ही रैलिश कर सकूं आज की तारीख में विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, जितना रैलिश मैं ब्रह्मवाद को कर सकूं। सो पर यदि ये पुरुषोत्तम जी की बात सच्ची है तो वह एक महीना के काल में मैं सहजासुर हतो कि आसुरा वेशी हो, तो ये प्रश्न तो आज भी डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझको। अनौक्तार काल में अनिर्धार्य बन जाएगा भगवत कृत हनन दर्शन की अशक्यतावश, क्योंकि भगवान मारे तो आसुरा वेशी, और भगवान मारे नहीं तो सहजासुर। अब वह 1-1.5 महीना में जामे मुझको या तरीके के भावना जानते थे कि सब मिथ्या है, अब भगवान ने मुझको मारे हो तो नहीं तो मैं क्या,
તો પછી હું કોણ? માર દેતે ભીષ્મ કી તરે મારને આતે તો પ્રમાણ મિલ જાતો કે મેં સહજાસુર નહીં હું, સિર્ફ આસુર આવેશ હતો, તો મારને બી તો નહીં આવે. તો અબ મેં કોણ? યે સવાલ હોવે પેદા. તિસ પર ભી મૂલ રૂપેણ હનન મુક્તિ દાનાર્થ ઓર વિભૂતિ રૂપેણ હનન અંધનતમ નરક દાનાર્થ. યે ઓર મેં થિયોલોજી હે. તો અબ સમજો કે હાર્ટ એટેક મેં મર જાઉં તો ભગવાન કી કોઈ વિભૂતિ હોય ગઈ, ક્યોંકે હાર્ટ રૂપ મેં ભી તો ભગવાન હી હે ને હૃદય. યો વેદ નિહિતં ગુહાયામ પરમે વ્યોમન. તો હૃદય કી ગુહા મેં વો એક્સપાન્ડ હો ગઈ ઓર સંકુચિત હો ગઈ તો ભગવાન કી વિભૂતિ ને મોકો માર્યો, ફિર પાછો મુશ્કેલ હો જાય ગઈ કે તો અંધનતમ નરક ગામી હું મેં. ઓર અબ સ્થિતિ એસી હે કે મુકુ ભગવાન પે પ્યાર આવે પર માર તો નહીં રહે ને ભગવાન, વિભૂતિ રૂપ સુ ભી નહીં માર રહે, મૂળ રૂપ સુ ભી નહીં માર રહે, તો અબ મેં ક્યા? કોહમ, યે સમસ્યા મુકુ સમસ્યા સતા રહી હે કે તદા કોહમ. વિભૂત્યાદિ રૂપેણ હનન અંધનતમ નરક દાનાર્થ વિવેક ભી દુષ્કર હૈ, દોનો કો હોતી ભ્રાંતિ કે પક્ષ મેં ભી દોષ તો તદવસ્થિ રહેતે હૈ, કેવલ આસુરી જીવો કો સ્વયં હોને કી ભ્રાંતિ માનતે હૈ તો તાવત ભગવાન મહાત્મ્ય કુછ ભી સિદ્ધ નહીં હોતા. ક્યોંકિ યે ભ્રાંતિ યદિ આસુરી જીવ કોઈ હોતી હોય ઓર કોઈ કોઈ નહીં હો રહી હૈ, ના ભગવાન કો રહી હૈ ના અપને કો રહી હૈ, તો અમે ભગવાન મહાત્મ્ય ક્યા ભે? કોઈ ભ્રમ, કોઈ કો ભ્રમ હો રહ્યો હૈ તો અમે ભગવાન કો ક્યા મહાત્મ્ય? યે સારે એસી વિપ્રતિપત્તિયાં કે જિનકો મેરે કોઈ જવાબ નહીં મિલ રહ્યો હૈ યા સ્ટેન્ડ મેં. એસે અન્ય કિસી ભી પૂર્વવર્તી વ્યાખ્યાકાર ને સુસ્પષ્ટ નહીં કહા, સ્વયં ગ્રંથકાર ભી દ્વિતીય વર્ણક મેં પ્રથમ વર્ણક મેં દિયે ગયે હેતુઓ કી અન્યથોપપત્તિ ભી દી હૈ. યે અન્યથોપપત્તિ લોજિકલી અબ આપકો સમજ મેં નહીં આયેગી બાત, પર કિસી ભી ચીજ કી યદિ અન્યથોપપત્તિ દે દો તો કેન્સલ હો જાતી હૈ. ઓર પુરુષોત્તમજી અન્યથોપપાદન કરકે ભી, જૈસે એક બાત બતાઉં અન્યથોપપત્તિ કો સ્વરૂપ સમજ મેં આ જાયેગી આપકો. જો ભી નાસ્તિક હૈ, મેં વેદ કી બાત નહીં કર રહી હું, નાસ્તિકો વેદ નિંદક, ઉન લોગો કા યે ખ્યાલ હૈ કે હમ લોગ એસે મૂર્ખ થે કે બરસાત પડ રહી હૈ ઉસમે કારણ ઇન્દ્ર કો માનતે થે. અબ ઇન્દ્ર કે બિના ભી બરસાત આર્ટિફિશિયલ રેન હો સકતી હૈ ક્લાઉડ સીડિંગ સે, તો ઇન્દ્ર કી અન્યથોપપત્તિ હો ગઈ તો ઇન્દ્ર અબ સિદ્ધ નહીં હો રહા હૈ, એસે નાસ્તિક લોગ કહેતે હૈ. અબ યે બાત કોઈ ભી કોલેજ કે સ્કૂલ કે પ્રોફેસર કો યા સ્ટુડન્ટ કો સમજા દો તો ઇન્દ્ર અસિદ્ધ હો રહ્યો હૈ, ક્યોંકિ યદિ અપને હાથ મેં હૈ. મને એક જમાના યે હતો યે થા બલ્બ કોને બનાએ? હા, એડિંગ્ટન, એડિસન, એડિસન ને. તબ સબ પાદરીઓને વિરોધ કિયા કે ભગવાન કો યદિ રાત્રિ કો ઉજાલા અપેક્ષિત હોતા તો રાત્રિ કો અંધકાર બનાતે હી નહીં, ઓર તુમ ભગવાન કી ગવર્નન્સ મેં ઇન્ટરફિયરન્સ કર રહે હો બલ્બ બના કે, તુમ ભગવત દ્રોહી હો. અબ બિચારે એડિશન કો જવાબ દેના ભારી પડ ગયા કે અબ ઇસકા ક્યા જવાબ દઉં ભગવાન ને. જબ યે પેનલેસ કિલ ટેબલેટ બની ઉસ વખત ભી પાદરીઓને વિરોધ કિયા કે ભગવાન ક્યા મૂર્ખ થા કે ડિલિવરી વિધાઉટ પેન ના હો સકે, એસે બના નહીં સકતા થા. તો જબ તુમ પેનલેસ ડિલિવરી કી ટેબ વો બના રહે હો વો ભગવાન કે એફેર મેં તુમ ઇન્ટરફિયર કર રહે હો, સો તુમ નાસ્તિક હો, સહજાસુર હો. આજકલ ક્રિશ્ચિયન પાદરી જો મિશનરી હોસ્પિટલ ચલાતે હૈ વો ખુદ વહાં વો દવાઈ દેતે હૈ પેનલેસ ડિલિવરી કે લિયે. અબ સવાલ યે નહીં હૈ કે યદિ બનાને વાલા સહજાસુર થા ઓર ઉસકો સહજાસુર ઘોષિત કરને વાલે ખુદ વો યદિ ટેબલેટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કર રહે હો તો એઝ એ તટસ્થ અપને કો ક્યા નિર્ણય લેના? બહુ ગંભીર સમસ્યા હૈ, બહુ ગંભીર સમસ્યા હૈ. ઉસ તરહ કી સમસ્યા અપને અભી પેદા હો જાયેગી.
तो अस्य पूर्ववर्ती व्याख्या का है, सो अन्यथोपपत्ति का आप समझ गए ना, पर अन्यथोपत्ति का सरल लौकिक भाषा में अत्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धो को विद्वान यत्नमाजे। घर में यदि अपने शहद का छाता लगा हो उसको छोड़ के जंगल में शहद खोजने जाना तो बेवकूफ़ी की निशानी है ना, उसको अन्यथोपपत्ति कहते हैं। तो अन्यथोपपत्ति तो पुरुषोत्तम जी ने दी है, वो तो मैंने नहीं दी है। अच्छा, अन्यथोपपत्ति देने के बाद भी वो वर्णक सच है तब फिर श्याम मनोहर के समझ में नहीं आता है। नकर के क्या समझ है वो श्याम मनोहर समझ नहीं पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। प्रवाह सृष्टि ही मर्यादा सृष्टि और पुष्टि सृष्टि में भी जीव स्वरूप जीव के देह प्राणेन्द्रियन तक कर्णादि अंग और आविद्यक पंच पर्वों के अध्यास्वस स्वपर विषयक आत्यंतिक ब्रह्म भेदानुभूति अथवा तन्मूलक उत्पत्ति नाश दुखादि की अनुभूति तो भ्रांति रूपा ही होती है। भ्रांति दैवी जीव को नहीं हुआ है ऐसा भी नहीं है, तो दैवी जीव को भी यदि भ्रांति हो सकती हो तो प्रवाही जीव को भी ये भ्रांति हो सकती है कि भाई भगवान नहीं है, उसमें क्या बड़ी बात है, उसने मिथ्या क्या मानना। यदि दैवी जीव को भी ये भ्रांति हो सकती है, 84 वैष्णव में छीत स्वामी गुसाई जी को ठगने गए थे और ऐसे कितने थे जीव जो महाप्रभु जी को नहीं मानते थे, तो भ्रांति तो हो सकती है ना। बात ध्यान से समझो कि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान को भ्रांति नहीं हो सकती है, पर भगवान भी यदि मनुष्यत्व न अवतीर्ण होते हैं भूतल में तो भ्रांति की लीला करते हैं। जब पौंड्रक वासुदेव ने वसुदेव का शव दिखाया तो भगवान ने भ्रांति की लीला करी, बेहोश होकर गिर गए। तो भ्रांति की लीला तो भगवान भी करते हैं, तो भ्रांति की लीला यदि भगवान करते हैं तो जीव क्यों नहीं कर सकता है। भाई अंशी जब कोई लीला कर रहा है तो हम भी तो कोई लीला कर सकते हैं कि नहीं, गिव अस दैट प्रिविलेज। भ्रांति की लीला हमको भी बपोती में मिली है, वारसा में वारसागत मिली है, तो भ्रांति तो सबको होती है। ऐसे ही आसुरी जीवों को भी भ्रांति होती होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा कहना हो तो ऐसा कह दो कि उनको अंधंतम नरक की भ्रांति होगी, वो जा रहे हैं ब्रह्म में ही लीन होते हैं, पर उनको भ्रांति ऐसी होती है कि हम अंधंतम नरक में जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हरकत नहीं आएगी। पर अंधंतम नरक भी नहीं है जिस नरक में वो जा रहे हैं, भ्रांति कहाँ रहेगी भाई। बहुत गंभीर समस्या है कि न वो खुद हैं न अंधंतम नरक है और वो अंधंतम नरक में जा रहे हैं, तब तो बहुत अजब मोड़ पे अपन आके खड़े हो गए। हाँ, हाँ, अब बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती है, सच बात बता रहा हूँ, बुद्धि फिर काम नहीं करती है। प्रवाह सृष्टि मर्यादा सृष्टि और पुष्टि सृष्टि में भी जीव स्वरूप और जीव के देहेंद्रिय प्राणांतक करण आदि अंग आविद्यक पांच पर्वों के अध्यास वर्ष स्वपर विषयक आत्यंतिक ब्रह्म भेदानुभूति अथवा तन्मूलक उत्पत्ति नाश दुखादि की अनुभूति तो भ्रांति रूपा ही है, यतो जगत क्रीड़ते वाले तृतीय कल्प के भीतर भी समाविष्ट मान लेनी चाहिए। तृतीय कल्प में वो समाविष्ट हो जाएगी। वाक्य मायावाद के अनुसार अनिर्वचनीय ख्याति से गोचर होती भाई सृष्टि मानने की अन्य ख्यातिवादी को क्या आवश्यकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसी ही अन्य भी कई विप्रतिपत्तियों का समाधान सूझता नहीं है। महाप्रभु की वाणी, महाप्रभु की अगाध वाणी रूपी जलहृत के पुरुषोत्तम जी नक्र या मकर जो भी हों, इस दादाजी की भीषा को इनकार ना तो मेरे स्वयं विद्यागुरु दादाजी के सामर्थ्य की बाहर बात थी, तो मेरी औकात ही क्या। दादाजी जब इतने डरते थे जिनने मुखु पढ़ाए हो, वो इतने डर रहे हैं तो भाई मुखु भी डर तो लग रहे है, डर तो लग रहे है, पर डर लग रहे हो तो लग रहे हो, पर जेम्स लैंग थी के अनुसार भागनो नहीं चाह रहे हूँ, बस ये मेरे उपसंहार में कहना चाह रहे मैं यार डर को मैं भयंकर रस को आनंद लेना चाह रहे हूँ। पुरुषोत्तम जी भयंकर हैं और वो भय मुक्त हो रहे हैं। मेरी एक गज़ल मैंने यही पे बनाई थी,
कि आईना देख भी लूँ, पर देखने में डर तो लगता है। जो भी मैंने उचित कहो होए, जो भी अनुचित कहो होए, सबसे पहले पुरुषोत्तम जी माफ़ करें, और पुरुषोत्तम जी के पार्ट में दादाजी माफ़ करें, और क्या गलत है क्या सच्चो है वो तो महाप्रभु जी माफ़ करें और कृष्ण प्रभु माफ़ करें। कि भाई बाकी क्या लीला है, बिजारे लीला है, हो सके बाकी सर्व सामर्थ्य हो तो मेरा बाप इनकार नहीं कर सके तो मैं कौन खेत की मूली के वक्त बिजारे लीला नहीं हो सके। और वो आज तो साइंस भी कर रहे हो कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द बिजारे कंक्लूजन। सो आई फील दिस इज़ अ बिजारे कंक्लूजन, बट बिजारे इफ इट इज जस्टिफाइबल और इट इज़ वेरीफाइबल, देर आई फेल बिकॉज आई कैनॉट जस्टिफाई दिस थिंग। एंड वेरीफिकेशन आई ना देखते हूँ, साथ डर भी लगता है, डर तो लग रहा है या मैं तो इनकार नहीं करूँगा, ये मेरा स्टैंड है। आप लोग भी हमें डर गए हो तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वो डर मन में से निकाल दो, क्योंकि मेरी एक ध्रुव धारणा है कि महाप्रभु जी को समझने के लिए पुरुषोत्तम जी से बेटर कोई व्याख्याकार न भयो है न कोई होए को न कोई है। ये मेरो फाइनल कंक्लूजन है। यदि पुरुषोत्तम जी नहीं होते तो वल्लभ वाणी का प्रकाश नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते तो ये तो मेरो फाइनल ओपिनियन है, हतो है और रहे। आश्रय को पद गाले दृढ़ेन च, अब मैं आज दृढ़ेन चरण कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम जी को भी कह रहे हूँ विद दिस क्रिटिसिज्म। दृढ़ेन चरण के रो भरोसो, दृढ़ेन चरण के रो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो हो ये निवेरो, सुर कहा कहे द्विध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के। अभी 9 बजे भोजनोपरांत नीचे। अब वो ये है कि पुरुषोत्तम जी के प्रति मेरी भीष्म की भक्ति है, भीष्म मतलब भयंकर भक्ति है, भीष्म भक्ति है मेरी।